ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति देव के बारे में। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति देव को देवगुरु माना गया है। ये सौर्यमंडल के सबसे विशाल और अत्यंत शुभ और प्रभावी ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति देव ज्ञान, शिक्षा, धार्मिक कार्य, अध्यापक, गुरु, जज, पुत्र, बड़े भाई, ज्योतिष और शास्त्रों के कारक हैं। शरीर में लिवर, किडनी, स्प्लीन, कान, कोलेस्ट्रॉल और जांघों के कारक माने गए हैं। इनकी दो राशियां हैं धनु और मीन। कर्क राशि में इन्हें उच्च का माना गया है और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। बृहस्पति देव के तीन नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा। दिशाओं में इन्हें उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का आधिपत्य प्राप्त है और इनकी दशा 16 वर्ष चलती है। अच्छी स्थिति में व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी और उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, ऊंचे पद पर आसीन होता है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, एक बहुत ही अच्छा सलाहकार या ज्योतिषज्ञ भी बन सकता है। सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति जातक को समाज में होती है और हर कार्य में सफलता और मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। दूसरी तरफ अशुभ स्थिति में मान प्रतिष्ठा में कमी होती है, जातक गुरुजनों का अपमान करता है, सोने के आभूषण चोरी होने का खतरा रहता है, संतान से भी चिंता बनी रहती है, वैवाहिक जीवन में भी वाद विवाद बना रहता है। शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, संतान उत्पत्ति में भी बाधाएं आती हैं, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, लिवर और किडनी की समस्याएं भी आती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में मुसीबतें और असफलताएं झेलनी पड़ती हैं। आइए देखें अब घर ही बैठे हम बृहस्पति देव के ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमें शुभता प्राप्त हो। गुरुवार को व्रत करें और कथा का अध्ययन करें। गुरुओं का, अध्यापकों का और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आदर करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। चने की दाल, बेसन के लड्डू, पीला कपड़ा और हल्दी का गुरुवार को दान करें। श्री विष्णु जी और शिव जी की आराधना करें और बृहस्पति देव के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। ओम नमः शिवाय।